दोस्तों एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है संदीप बोस मोटिवेशन स्पीकर चैनल पर। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं एक हेल्थ के ऊपर एक सीरीज बनाना चाहता हूं, तो उसी सीरीज का ये पहला वीडियो मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या है और कैसे ये काम करती है हमारी बॉडी में और कैसे हम इसको नेचुरली बढ़ा सकते हैं और किस किस क्या क्या फायदे हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के बॉडी में। दोस्तों देख लेते हैं, चलिए एक स्लाइड मैंने बनाया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ताकि मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाऊँ। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है दोस्तों। जी हाँ, हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स में एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन कैरी करती है दोस्तों, ये ऑक्सीजन कैरी करती है और ये ऑक्सीजन ये लंग्स और जितने भी ऑर्गेन्स हैं हमारे बॉडी में और टिश्यू उसमें लेके जाती है। जी हाँ, और वहाँ से जब आती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करती है और लंग्स में ये लेके जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये दिखने में ऐसा है छोटा सा लाल कलर का बटन जैसा, जैसे आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। दोस्तों दूसरा स्लाइड में चला जाता हूँ, मेरे पास एक वीडियो है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Our red blood cells make up 40% of our blood's volume. They're made continuously in the bone marrow, looking like flattened donuts without the holes. Red blood cells contain hemoglobin, a bright red protein which gives blood its color. When we breathe, as our blood passes through our lungs, oxygen molecules attach to the hemoglobin. Then, the red blood cells and hemoglobin transport the oxygen throughout the body and release it to all our cells and tissues. When the hemoglobin molecules are emptied, they attract carbon dioxide and other waste gases, which they take back to the lungs to be exhaled. Anemia occurs when there are too few red blood cells or not enough hemoglobin. Exhaustion is the common sign of anemia. तो ये छोटा सा वीडियो दोस्तों, ये एक पिक्चर है दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं आप, inside each red blood cells there are molecules, oxygen molecules. तो इस पिक्चर तो नॉर्मल काउंट क्या है दोस्तों जानना बहुत जरूरी है हमें। फॉर मेन इट्स 13.5 टू 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर और महिलाओं के लिए 12 से 15.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो ये महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ही कम मात्रा में होती है क्योंकि उनको प्रेगनेंसी या पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। तो जब औरत के शरीर से इतना ज़्यादा ब्लड निकल जाता है दोस्तों तभी हीमोग्लोबिन उनके शरीर में कम हो जाता है। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं, हम नेचुरल उपाय से हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। There are some foods दोस्तों जैसे कि green leafy vegetables, beet बहुत ही बढ़िया सोर्स है आयरन का। फ्रूट्स में बनाना, एप्पल, डेट्स, pomegranate, watermelon, they are very rich in iron, आप ये खा सकते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए रेड मीट, लेवर, एग्स, फिश जरूर खाएं, पर रेड मीट मॉडरेट में खाएं क्योंकि ज़्यादा रेड मीट का सेवन दूसरे बीमारियों का निशाना हो सकता है। तो पल्सेस यानी कि दाल या नट्स, बादाम ये भी आप खा सकते हैं दोस्तों। प्राणायाम आप करें, जरूर करें, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है दोस्तों, और इसी के साथ हमारे बॉडी में आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन भी पैदा होता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग आयरन रिच फूड खाने के बावजूद उनको एनीमिया हो जाता है या उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन जो काउंट है वो कम है। इसका मेन कारण ये है दोस्तों कि विटामिन ए और विटामिन सी ये लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विटामिन ए और विटामिन सी रिच फूड नहीं खाओगे तो बॉडी में जो आयरन है जो आप आयरन रिच फूड से ले रहे हो वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन का काउंट नहीं बढ़ेगा। तो विटामिन ए के लिए आप कैरेट्स, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल जैसी सब्जियां, और विटामिन सी के लिए आप लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज जैसी साइट्रस फूड्स ले सकते हैं ताकि आपके बॉडी में सही तरीके से आयरन एब्सॉर्ब हो जाए। लेकिन अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है दोस्तों तब आप ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर और स्ट्रॉबेरी जैसी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ना लें, क्योंकि इसमें एक
एलिमेंट होता है गोइट्रोजन, जो कि थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करने में। तो इसके लिए आप साइट्रस फ्रूट में, जैसे कि मैंने बताया, विटामिन ए और विटामिन सी जरूर लें, ताकि जो आयरन है वो सही तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पे। अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं, किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा थायराइड के ऊपर, तब तक के लिए दीजिए मुझे, चलता हूँ मैं संदीप बोस, मिलेंगे एक बार फिर से आपके साथ एक और नए वीडियो में।